अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का मेरा वीलॉग है। आज जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, यूएई में कल और आज बसंत मेला था, बसंत बहार या बसंत मेला। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने अरेंज किया है। ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा राना रिजवान साहब, वो उनके जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी हैं और उन्होंने हमें स्पेशल इन्वाइट किया है। तो हम लोग जा रहे हैं, आज मेरा ये व्लॉग पूरा बसंत का होगा कि यूएई में बसंत मेला या बसंत बहार कैसे मनाया जाता है, वहाँ पर कौन से स्टॉल्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पर क्या क्या मज़ा होगा, आज सारा दिखाऊंगा मैं आपको। और मेरे साथ दोस्त है फारूक शाहानी बैठा हुआ है, मेरे साथ दोस्त माजिद हिदरी भी बैठा हुआ है। हम लोग साथ जा रहे हैं, कुछ दोस्त वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो आज ये वाला जो बड़ा एक्साइटिंग व्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ आप दोस्तों के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बसंत मेला में। आप पीछे देख रहे होंगे कि कैसे लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। ये तकरीबन 2000 की पार्किंग का अरेंजमेंट था लेकिन उससे बढ़ गई है तो हमें पार्किंग नहीं मिली, तो हमने यहाँ पर पार्किंग कर दी है। सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर पार्किंग कर रहे हैं। वो सामने स्टेज बना हुआ है जहाँ पर आप सॉन्ग सुन रहे होंगे, मुख्तलिफ लैंग्वेज में सॉन्ग चल रहे हैं, कभी पश्तो, कभी पंजाबी, कभी सिंधी, कभी बलोची। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो सिंधी हैं हम उनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सिंधी सॉन्ग भी चलाएं ताकि मज़ा आ जाए। और आप ये देख सकते हैं ये भाई बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। अभी एक सिंगर थी, क्या नाम है इनका सिंगर का? नाजिया सिंगर, बहुत ही जबरदस्त सिंगर थी, गा रही है, बहुत इंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं रिजवान भाई,
उनके साथ हूँ खड़ा, और इनका ये कार्ड है, ये वाहत अल ज़ाविया मैनेजमेंट, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वो इनकी बदौलत हुआ है, और ये बहुत अच्छे दोस्त भी है हमारे। रिजवान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, दोस्तों को? थैंक यू वेरी मच मुस्लिम के लाइव लेकर आने के लिए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ये इस इवेंट के लिए, माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी का इवेंट है, मेरी तरफ से सारी बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, और मुस्लिम के चैनल के लिए बेस्ट विशेज़ हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये प्रमोट कर रहा है। और हम लोग का एक ही एम है कि पाकिस्तानियों को प्रमोट करना, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना। एग्जैक्टली यही हमारा एम है, और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा रिजवान भाई, इतना बड़ा इवेंट, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतनी गाड़ियाँ, तकरीबन 2000 से ऊपर गाड़ियाँ पार्किंग फुल हो चुकी है, स्टेज भी है और यहाँ पर ये स्टॉल भी लगे हुए हैं, आपने ये सारा कैसे अरेंज किया इतना, मतलब यूएई में रह के? ये हमारे पास इसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट टीम है, तो जब आपका एम अच्छा होता है, आपका एम करने के लिए होता है, तो फिर चीज़ें अपने आप स्मूथ चलती हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी वाले हैं, स्पेशल टीम थे हमारे पास, स्पेशल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम लेकर आए हैं, जिन्होंने पूरे का पूरा इवेंट में हमें सपोर्ट किया है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और ऑलमोस्ट जो थी अभी 6 to 7,000 क्राउड अवेलेबल है। 6 to 7,000 क्राउड, जी। वाओ, दैट्स ग्रेट, ह्यूज क्राउड, जी। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। थैंक यू। मेरे साथ और भी दोस्त है, स्टाइल मार रहा है, ये मेरा प्यारा दोस्त है, ये भी हमारे ग्रुप का एक स्पेशल मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम, नासर मेरा नाम है। मैं बहुत खुशी हुई थी पाकिस्तानी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे देख के, बस एंजॉय कर रहे, ऐसे लग रहे जैसे मैं लाहौर आया हूँ। जैसा क्रेडिट हमारा राणा साहब को जाता है, और हमारे जितने सिंसियर फ्रेंड्स हैं, यकीन करिए बिल्ली में ऐसा फील हो रहा है, ये फैमिलीज देख के, बच्चे देख के, ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं लाहौर के मॉडल टाउन में फिर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मज़े की बात ये भी है कि लेडीज़ और फैमिलीज़ ने बहुत ज़्यादा शिरकत की है। बिल्कुल, फैमिलीज़, बच्चों ने इंजॉय कर रहे हैं, है ना, बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, और फैमिलीज़ जो हैं उनका सेपरेट एरिया है, बैचलर का सेपरेट एरिया है, और लोगों लॉट ऑफ इंजॉयस कर रहे हैं, लोग ऐसे फील कर रहे हैं पाकिस्तान में आए हुए हैं। Exactly. ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान है यहाँ पर, मतलब हर कोई पतंग उड़ा रहा है। अच्छा, पतंग जो है वो कितने का मिलता है? इसे डिफरेंट रेट है पतंग के, कुछ 4 तवा है, कुछ 6 तवा है, मुख्तलिफ रेट्स हैं इनके, जैसे रिक्वायर्ड है वैसे ही, कोई 5, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 7 का है, बस ऐसे ही चलता है। चलिए अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पतंग उड़ाया जाता है। ये मेरे दोस्त है अहमद, वो दोस्त है फराज, और ये बिलाल। मैं भी आता हूँ, एक सेकंड। नहीं, इधर आ जाओ, तुम्हें आना है। अस्सलाम वालेकुम। ये मुस्लिम भाई है, मैं मुस्लिम, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं मुस्लिम हूं, मैं फराज भाई। यस, वैसे सारे मुस्लिम हैं, सारे मुस्लिम, नाम के नाम के मुस्लिम हैं। तो ये भी इंजॉय करने आए, हम साथ हैं ग्रुप में, बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इवेंट में आके। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा इवेंट होनी चाहिए अभी हम गुड्डी के इंतजार में। अच्छा, ये फराज भाई है, बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, थोड़ा हो जाए, थोड़ा स्टेज, आई वांट ऑल ऑफ यू, अच्छा कोई म्यूजिक आएगा तो ये डांस करेंगे। ये मीडिया वाले जो भाई हैं वो स्टेज के आगे चुप रहो, मैं डांस नहीं करते, हां उनके साथ डांस करते हैं। आपकी क्या क्वालिटीज है? स्टेज के पास हैं क्वालिटीज, यार हम एंजॉय कर लेते हैं, बस एंजॉय कर लेते हैं, इनका डांस देख के एंजॉय कर लेते हैं। तो ये है कि ये सिर्फ एंजॉय करते हैं, ये डांस करते हैं, और ये सब लोग सब एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने मुल्कों से बाहर आए, पाकिस्तान से या जहाँ जो भी लोग यहाँ मौजूद,
कोशिश करें ना वो गाना जाजिब को बोलने के लिए और लेकिन उसके पास हिंदी है उसको सही है आपको 32 लेने जाना है हिंदी आता है एजी आलू भी आता है ब्लैक नहीं है अल्ले हिजो भी आता है ट्रैक नहीं है म्यूजिक ट्रैक YouTube से कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करा हूं मैं कराओके के लिए सर जी देखती हूं मैं ट्राई करूं किसी चलो यार वेरी वेरी थोड़ी दौड़ क्यों कटती है थैंक यू